जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसमें इसकी रबड़ लगा दी है, और ये रबड़ का मैटर में भी। इसके बाद आता भाई ये वाला कवर, ये मडगार्ड, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं खोल के कैसा होंडा जेन्युइन है। ये की एक्सीलेटर केबल 94 रुपये की है, और पार्ट नंबर जैसे कि आप देख ही सकते हो, तो ये इग्नाइटर में भी लग जाएगी, ठीक है। और इग्नाइटर में स्टेनर की, स्टेनर में इग्नाइटर की सेम। उसके बाद दूसरा पार्ट है अपना हाफ चेन कवर, जो कि भाई की स्टेनर में नहीं आता, फुल चेन कवर आता है, वो हाफ लगाना चाहते हैं। ये 66 रुपीज़ का है, काफ़ी सस्ता है। पार्ट नंबर देख लीजिए, और ये मैन्युफैक्चर है इसका अक्टूबर 2022। ये मैं इसको खोलूँगा नहीं, तो नहीं तो भाई सोचेगा यार गड़बड़ कर दिया पैकिंग। तो हाफ चेन कवर ये अपनी इग्नाइटर में भी लगा सकती हूँ, यदि आपका वो मेटल वाला जो चेन कवर फुल कवर आता है उसको निकाल के लग जाएगा इग्नाइट। अंकुर कार टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो लाए अपनी होंडा स्टिनर और हीरो इग्नाइटर के पार्ट्स अनबॉक्सिंग पे। तो अब मैं आपको दिखा दूँ, एक मेरे को मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनने मेरे को ऑर्डर दिया था कि भाई मेरे को ये चाहिए, हैदराबाद से ऑर्डर आया था। उनने मेरे को इंस्टाग्राम पर DM किया, मेरे को इंजन काउल चाहिए है अपनी होंडा स्टिनर का। तो मैंने उन्हें बताया होंडा स्टिनर का इंजन काउल जो है काफ़ी महंगा हो चुका है, पहले 800 रुपये का आ जाता था, अब वो 1600 रुपये का आता है। तो मैंने उनको एडवाइस दी आप हीरो इग्नाइटर का लगा लीजिए, तो हीरो इग्नाइटर का थोड़ा सस्ता आता है, मतलब आधे रेट में 800 रुपये में आ जाता है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं अपन हीरो इग्नाइटर का। ये बॉक्स है देखिए, इंजन काउल का जेन्युइन पार्ट है। इसका पार्ट नंबर आपको दिखा दूँ, तो पार्ट नंबर आप जैसे कि देख सकते हैं 6431AVD100TS आर अंडर काउल, मतलब राइट साइड का है, दो पार्ट में आते हैं इसका जो अंडर काउल है, इंजन गार्ड जो भी बोलते हो। उसकी MRP देख लीजिए 345, और पैकेजिंग है 08/2021 की, मतलब 2 साल पुराना। तो इसको मैंने निकाल तो लिया था, जैसे कि ये देख सकते हो आप, इसको वैसे हमें ब्लैक कलर में चाहिए था, ब्लैक कलर में मिल नहीं रहा था। हीरो वाले ऑर्डर भी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं गाड़ी शोरूम पर खड़ी करो उसके बाद ऑर्डर लेंगे, और होंडा वाले दे देते हैं, होंडा वाले ज़्यादा नाटक नहीं करते। तो ये वाइट कलर का मिला, तो मैंने जिसको चाहिए था ना अपने सब्सक्राइबर को उनसे पूछ लिया भाई वाइट कलर में मिल रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो, उस पर ब्लैक स्प्रे पेंट उड़ा देंगे अपन। तो ये है ओरिजिनल हीरो जेन्युइन, ये स्टेनर में भी लग जाएगा और इग्नाइटर में तो लगेगा ही लगेगा। तो आप होंडा स्टेनर का यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप हीरो का लगा लें, और हीरो को आपको नहीं मिल रहा है तो इग्नाइटर का लगा लें, यहाँ भी आपके नियरेस्ट होंडा शोरूम या हीरो शोरूम से, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है जो कि ये है, इसको भी अनबॉक्स, पहले पार्ट नंबर दिखा दूँ आपको। तो पार्ट नंबर इसका है 64320AVD100TS एल काउल अंडर, ठीक है, लेफ्ट साइड का ये, और इसकी MRP है 380380, और पैकेजिंग है 07/2022। तो इसका भी निकालते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका ये बिल वगैरह इसी में रख दिया मैंने ताकि भाई को कोई दिक्कत ना हो। तो ये है वाइट कलर में पार्ट नंबर, या यदि आपको हीरो इग्नाइटर वालों को कुछ चाहिए हो तो भाई पार्ट नंबर देख के हीरो शोरूम पर ऑर्डर लगा सकते हैं। यह है लेफ़्ट साइड का, ये दो पार्ट में आता है, ऐसे करके इसकी फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंगल पीस हो गया, स्टेनर में भी लगा लूँ या जो भी आपकी हीरो इग्नाइटर है जिसमें लगाना, हीरो जेन्युइन। तो इसको मैं ब्लैक कर दूँगा, जो हमारे सब्सक्राइबर ने बोला आप खुद ही ब्लैक कर दीजिए, तो मैं इसको ब्लैक कर दूँगा, उसके बाद मैं इसे कोरियर कर दूँगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको दिखाऊँ, इनको साइड करते हैं। जो इसकी फिटिंग है उनने फिटिंग भी मंगाई, क्योंकि इनकी स्टेनर 2010 मॉडल है, उसमें इंजन गार्ड आता ही नहीं था, तो उसके लिए अलग से लगाना चाह रहे हैं। तो फिटिंग में आपको दिखा दूं, तो ये है होंडा की, ठीक है। पार्ट नंबर देख लीजिए आप, ये देख लीजिए पार्ट नंबर, ये है, यहाँ भी लिखा है, और प्रोडक्ट है स्टे अंडर काउल, मैन्युफैक्चर डेट है 2022, MRP बहुत ही कम 44 रुपये। इसमें दिक्कत क्या हो गई है मैं आपको अनबॉक्सिंग ही कर देता हूँ। ये देखिए
भाई कंपनी भी मैन्युफैक्चर फॉल्ट दे देती है, इसमें एक साइड यहाँ कसने का नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ये लगता है ऐसे ठीक, एक हिस्सा इसका यहाँ लगेगा ऐसे। अब मैं अकेला हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, और एक हिस्सा ऐसा लगेगा, तो ये इसमें कैसा कि इंजन में फिट होता है, इसकी फिटिंग है, ये देख सकते हो आप, फोकस नहीं ले रहा, अब लिया ऐसी फिटिंग होगी इसकी, तो इसमें एक जो इंजन में लगता है ना वो इसका ठिया नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने अपनी स्टेनर में से निकाल के लाया हूँ, ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट आ गया, तो फिर से ऑर्डर दिया है, वो दूसरा आएगा, ये ऐसा ही है। तो पार्ट नंबर आप देख लो, इसमें कंपनी से ही मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, जैसे कि अभी मैंने अनबॉक्सिंग किया, दूसरा पार्ट इसकी एक और फिटिंग है, दिखाता हूँ मैं आपको, तो दूसरी फिटिंग ये है, इसका पार्ट नंबर पहले देख लीजिए, 5377KWF840, और इसकी मैन्युफैक्चर है 2019 जुलाई 11 रुपये का, बहुत ही सस्ता, ये जो है ये आगे, यहाँ इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ मैं, तभी आपको सही पता चलेगा, यूँ ऐसे करके इसमें रबड़ लगेगी, यूँ फिट होगा, तो ये कसाएगा आपका ऐसा, ये आगे की फिटिंग हो गई ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ भी दिखा दूँ भाई, जो भी मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूँ ये सब ऑर्डर पे, मतलब हैदराबाद जाएगा, भाई ने मंगाया है, ये पैडल है, गियर चेंज, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बनी हुई है, फिर भी मैंने सोचा पार्ट आया है तो आपको प्राइस वगैरह दिखा दूँ, प्राइस देखिए 91 का है, ये गियर लीवर पैडल गियर, ये देखिए इस टाइप का ठीक है, इसकी जो रबड़ है वो रबड़ ये है, इसका पार्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा सस्ती मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, 8 रुपये की एक है, दो मंगवा ली थी मैंने, मेरी गाड़ी में लगना थी साइन में, इसलिए साइन में भी लग जाएगी। उसके बाद इसकी रोड आती है, ये रोड है, रोड देख लीजिए पार्ट नंबर, ये 18 रुपये की है 2019 की पहले, ये रोड गियर लीवर में यहाँ लगेगी ऐसे करके, नीचे ऐसे करके यहाँ लगेगी, तब ये पूरा गियर लीवर कंप्लीट होगा। एक चीज़ और होगी इसकी, वो भी दिखा देता हूँ आपको, हाँ ये जो रबड़ है इसी गियर लीवर की है, इसका पार्ट नंबर देख लीजिए ठीक है, 12 रुपये की है, दो लगेंगे, होंडा जेन्युइन, इग्नाइटर में भी यही गियर लीवर लगेगा भाई, और स्टैंडर में भी यही रबड़ गियर लीवर सेम। यदि आपको नहीं मिल रही हो, हीरो वाले मंगा के नहीं दे रहा हूँ, तो आप होंडा पे जाके ये पार्ट नंबर दिखा के मंगा सकते हैं, ये साइन की है भाई, ये होंडा साइन की शॉकअप की बुश है, जो शॉकअप रियर शॉकअप है उसमें लगते हैं, ये मैंने अपनी साइन के लिए मंगा लिया था साथ ही में। उसके बाद भाई ये है अपनी स्टेनर, होंडा स्टेनर की एक्सीलेटर केबल, 94 रुपये की है, और पार्ट नंबर जैसे कि आप देख ही सकते हो, तो ये इग्नाइटर में भी लग जाएगी ठीक है, और इग्नाइटर में स्टेनर की, स्टेनर में इग्नाइटर की सेम है। उसके बाद दूसरा पार्ट है अपना हाफ चेन कवर, जो कि भाई की स्टेनर में नहीं आता, फुल चेन कवर आता है, वो हाफ लगाना चाहते हैं, ये 66 रुपीज़ का है, काफ़ी सस्ता है, पार्ट नंबर देख लीजिए, और ये मैन्युफैक्चर है इसका 2 अक्टूबर 2022, ये मैं इसको खोलूँगा नहीं, तो नहीं तो भाई सोचेगा यार गड़बड़ कर दिया पैकिंग, हाफ चेन कवर, ये अपनी इग्नाइटर में भी लगा सकती हो, यदि आपका वो मेटल वाला जो चेन कवर फुल कवर आता है उसको निकाल के लग जाएगा इग्नाइटर में भी। उसके बाद आता है भाई ये वाला कवर, ये मडगार्ड, यदि आपको दिखाता हूँ मैं खोल के कैसा है, होंडा जेन्युइन है ये है भाई, ये मडगार्ड जो अंदर लगता है स्टेनर में और इग्नाइटर में भी शायद लगता होगा, ये इसका पार्ट नंबर दिखा दूँ, काफ़ी पुरानी पैकिंग का इनके पास रखा होगा, ये यहाँ से देख सकते हो पार्ट नंबर, इसका प्राइस चलो बिल में दिखाता हूँ, तो इसका जो है अपना ये फेंडर हग, ठीक है फेंडर हग है, और ये है भाई 123 रुपीज़ का ठीक है, पार्ट नंबर ये पूरे जो भी हैं इनके पार्ट नंबर है। अब दूसरा आइटम मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो रबड़ फोकस ले नहीं रहा सही से, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, तो ये रबड़ है ना जो, चलो जो रबड़ है ये इसमें लगती है अपने यहाँ पे, ये
इसकी रबड़ है ना इंजन गार्ड की, इसको लगा ही देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसमें इसकी रबड़ लगा दी है, और ये रबड़ का प्राइस मतलब जो प्राइस है वो 10 का पैकेट आता है, सिंगल रबड़ नहीं आती और ना इसमें लगी आती है। ठीक है, देखिए होंडा की रबड़ है ये, हीरो के इसमें लगा दी है, सेम पार्ट लगते हैं, हीरो इग्नाइटर और होंडा स्टेनो के इंजन के भी और बॉडी पार्ट भी कुछ कुछ सेम है मास्क छोड़ के। तो ये रबड़ लग गई, इसका पार्ट नंबर आपको सो रहा होगा, उसका प्राइस मैं बिल में दिखा दूंगा अभी कितने की है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से लेफ्ट साइड में भी ये लग जाएगी, 4 रबड़ मैंने ली थी उसकी। हाँ एक चीज़ और, ये कॉलर ये दिख रहा है कॉलर, चला फोकस सही से नहीं दे रहा। ये कॉलर जैसे कि आप ये देख सकते हो, फोकस अभी ठीक से ले नहीं रहा मोबाइल मेरा, पता नहीं क्यों। ये कॉलर जो है ना यहाँ लाके यूँ लग जाएगी, इसके बाद इसमें स्क्रू कसेगा जो कि वो स्टे जो कब मैंने दिखाया था कहाँ गया, यहाँ ऐसे करके ये कस जाएगा यहाँ से एक स्क्रू। ठीक है, कॉलर का भी प्राइस आपको इस पर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, जो ये इस टाइप का जो बॉक्सर है ना, ये कॉलर बोलते हैं इसको, ये निकल जाता है ये। उसके बाद भाई एक चीज़ बची अपने पास, पिन। जैसे कि आप ये पिन देख रहे हो, पिन का भी पार्ट नंबर और प्राइस शो हो रहा होगा आपको। तो ये पिन गेयर लीवर में लगेगी, कहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ये गेयर लीवर जो है एक बॉसर लगेगा इसमें, बॉसर अब मेरे को मिला नहीं, भाई जिसका है वो लगा लेगा। तो ये यहाँ की ये पिन लगेगी, तब जाके ये लॉक होगा किसमें, ऐसे लगा के। ठीक है, ये जो रॉड है ना इसमें लग जाएगी यूँ, और ये दर कहीं लगता है ऐसे करके, उसी की पिन है ये। पिन का ही पार्ट नंबर आपको सो रहा होगा। तो भाई एक पार्ट हम भूल गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये है भाई गेयर लीवर, इसको तो मैं अनबॉक्सिंग करके ही दिखा देता हूँ। ये लगेगा अपना गेयर रॉड में, ठीक है, उसके बाद इसका गेयर लीवर मैंने अभी दिखाया था ना आपको, ये ऐसा करके कुछ बनता है ये पूरा कंप्लीट, ये 3 रॉड वगैरह, ये बासर भी लगेगा, ये 3 है। तो ये इसका पार्ट नंबर कहाँ गया, पन्नी पन्नी, ये भाई इसके पार्ट नंबर 24711WF, हाँ KWF 840, और इसका प्राइस है 38। और ये पैकिंग थोड़ी पुरानी होगी तभी ऐसी गंदी सी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये पार्ट भाई मैं बेचता नहीं हूँ, कोई इमरजेंसी हुआ कोई बाहर से है भाई इसको पार्ट नहीं मिल रहा, वो अपनी स्टेनर या बाइक से खूब प्यार करता है, उसको पार्ट नहीं मिल रहा, तो वो मैं उसे ऑर्डर करके मंगा के दे देता हूँ, वो पेमेंट मुझे एडवांस भेज देते हैं, मैं ऑर्डर करता हूँ मंगा के भेज, फिर मैं उसे कुरियर कर दूँगा। ये भी पार्ट है पूरा हैदराबाद जाएगा भाई के। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कम से कम 50-60 वीडियो बना के रखी है होंडा स्टेनर पार्ट और जो भी है एक्सेसरीज भी, और ये ऐसे पूरी प्लेलिस्ट है आप जाके देखो डिस्क्रिप्शन में।